हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले कि अपने मोबाइल में जो है रैम कैसे बढ़ा सकते हो, जो कि आपकी जो भी डिवाइस है शाओमी में काम कर रहा है, तो शाओमी में आप जो है रैम को बढ़ा सकते हो, जो कि सिस्टम दिया हुआ है। तो जिसके पास भी नया जो फ़ोन है लेटेस्ट में जो आया हुआ है, तो उसमें जो ये फीचर दिया हुआ है, जो कि आप रैम जो है बढ़ा सकते हो। रैम का मतलब होता है आपके मेमोरी से ही कुछ GB जो है उसमें बढ़ सकता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जाओगे सेटिंग में, तो आप लोग यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर आपको एक मिलेगा एडिशनल सेटिंग यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मेमोरी एक्सटेंशन यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 8 GB तक मैं अपने मोबाइल में जो है 8 GB रैम और एक्स्ट्रा बढ़ा सकता हूँ। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इसमें मेरे मोबाइल में जो कितना रैम है। तो मेरे मोबाइल में जो यहाँ पर देख सकते हो पोको X5G है, और ऑल स्पेस में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कितना है। तो आप लोग देख सकते हो 8 GB रैम है इसमें। तो इसमें आप लोग देख सकते हो 8 GB रैम है। अब मैं इसको 8 8 जो 16 GB करके दिखाता हूँ बढ़ा के। तो मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग ये वाला, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा मेमोरी एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर मुझे जो है 8 GB रैम और बढ़ाना है। उसके बाद मैं मोबाइल को जो है रिबूट करूँगा और ये अप्लाई होगा। तो चलो मैं रिबूट करता हूँ। यहाँ पर मैं जो अपने मोबाइल का जो रिबूट कर दिया हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो चुका है। जैसे आप लोग देख सकते हो रिबूट जैसे ही मैं किया था, तो यहाँ पर जो हमें शो कर रहा है। तो मैं अबाउट फोन में जाता हूँ और अबाउट फोन में आपको ऑल स्पेस यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है 8+8 GB रैम हो चुका है। तो आप लोग ऐसे करके बढ़ा सकते हो। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करो।